कॉनकेव मिरर का ही एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, परवलयाकार दर्पण। ये क्या था? ये सिंपल कॉनकेव था जो आने वाली प्रकाश की किरण को किसी पॉइंट पर मोड़ देता था। अब इसको हमने थोड़ा सा गहरा कर दिया, ठीक, गहरा किया तो ये भी वही प्रोसेस करेगा, जिस पॉइंट पर मोड़ेगा उसे फोकस बोलते हैं। आप यहाँ पर एक छोटा सा कोई बल्ब लगा देते हैं तो आने वाली लाइट की रेज को इस पॉइंट पर मोड़ता था, हमने यहीं पर सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया तो उससे जो लाइट निकलेगी चारों तरफ रहेगी, इधर भी जाएगी, बट जो इस मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद मिरर क्या करेगा, उस लाइट को पैरेलल कर देगा, सीधा एक बीम के रूप में बहुत लंबी दूरी तक भेज पाएगा। तो इसलिए हम इसका उपयोग कहां करते हैं, सर्च लाइट बनाने में, या जो हेडलाइट बनती है वो जनरली इस प्रकार के मिरर की बनती है। क्लियर है ना? ठीक, अब दूसरा जो बचा था हमारा कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी ये मिरर कर्व भी है मगर इसके पॉलिश हम बैक साइड में करते हैं, यानी गोला जो है गोले की अंदर साइड में जब आपने पॉलिश करते हो तब बनता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि यहाँ अगर हम इस पर लाइट डालते हैं, ये वाली लाइट की रेज है वापस इसी पर लौट जाती है, तो ये उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर गुजरती है या वहां जाती है, इसलिए उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, इधर तो लाइट जाएगी नहीं क्योंकि ये मिरर है। अब हम इससे कुछ दूरी पर इस पर लाइट डालते हैं, पुराने वाले मिरर में क्या हो रहा था, वो उसे पॉइंट पर मोड़ता था तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा ना होकर ऐसा था, ये पलट दिया है, इसलिए ये क्या करेगा, इस लाइट की रेज को मोड़ेगा तो रिफ्लेक्ट तो करेगा मगर ये फैलाएगा, डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा, है ना, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे ये इसमें, यानी इस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो लाइट फैलती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है। फैला देता है इसका मतलब अगर हम इतनी दूर के एरिए को देखना चाहते हैं तो छोटे से मिरर में देख पाएंगे, इस मिरर का विजन बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इससे कैसी इमेज बनती है, तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल। जबकि कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती थी कब, जब फोकस और मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर, रियल बनती थी जब फोकस या उससे बाहर हम रखते थे, यहाँ चाहे आप फोकस पर रखो चाहे बाहर। अब इस मिरर का फोकस कैसे निकालते हैं, ये रेज जो रिफ्लेक्टेड होकर ऊपर या नीचे जाती है इसे हम काल्पनिक रूप से ये मानते हैं कि इस पॉइंट से निकल के आ रही हो, इसको फोकस कहते हैं, ठीक। अब इससे जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, तो सीधी बनेगी, डायरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक। वस्तु से बड़ी होगी या वस्तु के बराबर होगी या छोटी होगी, तो हमेशा उस वस्तु से छोटी होगी, इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर में, कि आप देखोगे छोटा सा मिरर लगा रहता है मगर पीछे पूरा रोड का व्यू आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसका विजन ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम इसका उपयोग यहाँ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर के दो एग्जांपल थे, एक कॉनकेव और दूसरा कौन सा था, कॉन्वेक्स, ठीक। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ी हुई थ्योरी थी। अगली प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, ऐसा माने कि ऊपर हवा नीचे पानी भरा हुआ है, अब ऊपर से अगर लाइट आप डालते हो तो ये पानी के अंदर भी जाएगी, कुछ गहराई तक जाएगी, बहुत ज्यादा डेप्थ होगी धीरे धीरे उसकी गहराई बंद हो जाएगी, लेकिन वो पानी के अंदर ये लाइट की रेज जा रही है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश से रिफ्रैक्शन। कैसे जाना चाहिए, समझो कि यहाँ ये स्ट्रेट जाती है, जैसे ही पानी के टच में आएगी इसको जाना स्ट्रेट चाहिए मगर ये सीधी ना जा करके अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती, बेंड हो जाती, तो इसका अपने रास्ते से मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। तो यहां पर देखो, व्हेन अ रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। अब अगर यहां हम ये माने कि ये जो लाइट की रेज थी मुड़ गई नीचे की ओर, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब या प्लेन। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। अब उल्टा करें, यहां पर हम सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, कोई भी लैंप लगा दें और वहां से लाइट ऊपर की ओर डालते हैं, यहां तक तो वो अपना रास्ता जैसा है वैसा तय करेगी, अब जैसे ही हवा में आएगी तो इसको सीधा जाना चाहिए था मगर वो सीधी ना जा करके अपने रास्ते को बदलेगी,
टेंस से रेयर में जाते समय वो इस अभिलंब से दूर हट जाते हैं। रेयर से डेंस में आते समय अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये अपवर्तन किस पर निर्भर करेगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम पहले पढ़ चुके थे, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, वहां से हम इसको निकालते हैं। ठीक, अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमें ये प्रभाव पड़ता है कि पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर डूबी हुई चीजें जो हम ऊपर से देखते हैं वैसा लगता है कि कम गहराई पर, एक्चुअल में उनकी गहराई ज्यादा होती है। अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु जो पानी के अंदर है वो हमें वहां से थोड़ा ऊपर दिख रही है। कोई भी आप पेन या लकड़ी ले पानी में आधा डुबोए या किसी भी लिक्विड में आधा डूबने, तो वो हमें कैसा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना या तारों का चमकना, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे प्रभाव? तारों का चमकना, प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ? स्टार कैसे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि ऊपर हवा की अलग अलग लेयर, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर डेंसिटी कम हो जाएगी। जहां कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। जहां ज्यादा होगी वो डेंस। तो आने वाली लाइट रेयर से डेंस या डेंस से रेयर में जाएगी तो अपना रास्ता बदलेगी। रास्ता बदलेगी तो हमें लाइट कभी सीधी जितनी देर दिख रही है थोड़ी देर नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग स्टार्स, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुबह और शाम के समय सूर्य हमें एग्जैक्ट गोलाकार नहीं दिखता है, थोड़ा सा हमें अंडाकार दिखता है। तो उसका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, मिराज। ये घटना क्या होती है? इस घटना को मारीचिका बोलते हैं। या जब कभी हाईवे पर आप जाते हो, हाईवे पर जाते हैं, सड़कें किसकी बनी रहती है? एस्फाल्ट या डामर की बनी रहती है। सूर्य की रोशनी में वो गर्म होता है। बस में बैठे हुए हो आप या कार में आगे बैठे हो, तो आपको बहुत दूर तक ऐसा लगेगा कि पानी बारिश हुई है वहां पर। तो जैसे जैसे आप उसकी ओर मूव करते हो और आगे बढ़ती जाती है। यही रेगिस्तान में होता है कि रेगिस्तान में व्यक्ति को देखने पर ऐसा लगता है कि दूर कहीं तालाब झील लेक होगा। जब उसकी ओर जाता है तो वो गायब हो जाता है। कैसे संभव हुआ वो? तो उसके लिए ऐसा समझो कि डे टाइम में ये रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, बालू जल्दी से रेत जल्दी गर्म होता है। अब इसके संपर्क में ऊपर की जो हवा है वो इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो भी गर्म होगी। गर्म हवा हल्की होगी तो ऊपर उठ जाएगी ना, ऊपर उठेगी मतलब यहाँ की तुलना में थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। कोल्ड एयर एज कंपेयर टू वार्म एयर कैसी होती है? डेंस होती है, यानी सघन होती है। अब हम मान के चलते हैं कि यहां से सूर्य की किरण ऐसे आती है इस तरीके से, तो ऊपर मीडियम कैसा है? डेंस। नीचे उससे रेयर, तो डेंस से जब रेयर में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी देखा था पानी से हवा में जा रही थी तो अवे फ्रॉम फ्लेम। तो अब ये लाइट अगर ऐसे आती है तो यहां पर हम अभिलंब मान के चले तो इसका डायरेक्शन ऐसे, अगली लेयर फिर आएगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे। तो इसको हम यहाँ इसी तरीके से दिखा रहे हैं कि ये जो एक्चुअल ट्री है, रियल ट्री इस व्यक्ति को दिख रहा है, मगर साथ ही साथ कैसा दिख रहा है? ऐसे करके। तो इसे यहाँ इसकी इमेज दिखती है। और ऐसा कब संभव हो सकता है? जब नीचे पानी भरा हो। तो इस वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? यहाँ पर तालाब या झील है, इसलिए इसकी इमेज नीचे बन रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण ऐसा समझो कि नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। ऊपर क्या है? रेयर मीडियम, यानी नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर हवा। और यहाँ इसको हम क्या बोलते थे? प्लेन या अभिलंब, है ना। यहां से आपने टॉर्च ली और टॉर्च का प्रकाश ऊपर की ओर डालना शुरू किया, तो पानी में एक स्ट्रेट लाइन में गया। इसके बाद ये हवा में आना चाहिए। हवा में आएगा, आप क्या प्रॉपर्टी काम करेगी? हवा में आते समय ये पानी किधर की ओर जाएगा, मतलब ये लाइट कहां की ओर बेंड हो जाएगी? यहां पर ये जो लाइट होगी बाहर जाएगी एयर में, तो इस प्लेन से दूर हटेगी, है ना, यही होगा। अब
इसको इस एंगल पर डालते हैं कि लाइट दूर होते हुए ये किसके बिल्कुल पैरेलल हो जाती है उस लाइन के, अगर ये पानी भरा है तो पानी की बाउंड्री लाइन के पैरेलल हो जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि अब उसके बाद अगर हम लाइट डालेंगे तो वो मुड़ करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी प्रकाश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। इसको समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, नीचे डेंसर मीडियम में चाहे हम ग्लास माने, पानी माने, ऊपर एयर माने, पहले हमने यहाँ से लाइट डालना शुरू किया, ये प्लेन है, लाइट एयर में जाएगी, एयर क्या अब क्या हो जाएगा मीडियम रेयर होने की वजह से अभी तक से दूर हटेगी, जाना सीधा चाहिए बट ये मुड़के इधर चली जाएगी, ठीक। दूसरी वाली ये रेड लाइन, यहाँ से हमने डालना शुरू किया, नहीं एंगल पहले इतना था, अब ये एंगल इतना बड़ा किया, ऊपर जाएगी, मगर ऊपर जाते से ये कहाँ हो गई, उसके पैरेलल बाउंड्री लाइन पे पलट जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे बोला जाएगा, ये और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। अगली बारी क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, तब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण अविलंब से दूर तो हटेगी मगर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, यानी जिस मीडियम से आप डाल रहे थे उसी मीडियम में इसका वापस आना ही क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका यूज क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से डाली जाए और वो उसी माध्यम में वापस आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उपयोग क्या किया जा सकता है, इसका उपयोग बहुत सी चीजों में करते हैं, जैसे डायमंड का चमकना, डायमंड को इस ढंग से तराशते हैं कि किसी भी एंगल से ऊपर लाइट डालो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशन होना मस्ट, पहला कि हमेशा प्रकाश की किरण डेंस से रेयर मिले, हमेशा उल्टा नहीं कर सकते, दूसरा क्रांतिक कोण से ज्यादा पर होगा, अगर कोई इंसिडेंट ऑफ रेज है क्रिटिकल एंगल से कम पर डालते हो तो वो उस मीडियम में वापस नहीं आएगी, वो उस मीडियम में वापस तब आएगी जब क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा, तब पुराने वाले डायग्राम में देखा था तो डायमंड का चमकना या ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाई जाती है, पहले टेलीफोन लाइन जो बिछाते थे उनमें वायर होते थे, अभी आप देखना किसी भी केबल को उसमें वायर नहीं दिखेंगे, वहां ऑप्टिकल फाइबर केबल का फायदा ये रहता है कि जितनी उसमें इंटेंसिटी से आप सिग्नल भेजते हो दूसरे किनारे पर उसी इंटेंसिटी के सिग्नल हमें रिसीव होते हैं, बीच में लाइन में लॉस नहीं होता। तो पुराने समय में आज से 15-20 साल पहले टेलीफोन जब जैसे एसटीडी कॉल आती थी और लोकल कॉल आती थी, दोनों में वॉइस में अंतर समझ में आ जाता, लोकल यानी ये शॉर्ट डिस्टेंस कॉल है तो उसकी तो आवाज क्लियर सुनाई देती थी, मगर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी उसकी आवाज क्लियर नहीं आती थी, उनको रिप्लेस कर दिया ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल के, अब आपको वॉइस क्लियरिटी और ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। तो ये सब किसके एग्जांपल थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज या मारीचिका भी किसका एग्जांपल था, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही उदाहरण। अगला है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सूर्य से आने वाला प्रकाश अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के अंदर वह 7 अंगों में बढ़ जाता है और प्रिज्म के बाहर हम इसको किसी स्क्रीन पर अलग अलग स्पेक्ट्रम के रूप में देख सकते हैं। इसी फिनोमेना को, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। ये कौन सा लाइट रहेगा, कैसे रहेगा, तो सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। सबसे कम बैंड कौन सा हो रहा है, सबसे कम रेड वाला, सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हो रहा है, वायलेट वाला। तो वायलेट जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ वाले का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, रेड जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है तो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। रेड कलर का उपयोग हम करते हैं ज्यादातर खतरे के संकेत देने के लिए, क्यों करते हैं, ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे ये दूर तक बिना लॉस के जा सकते, और वायलेट वाला रहेगा बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा, इसका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, कारण इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है, ठीक है। सूर्यमान वेवलेंथ क्या होती है, तो ऊपर के जो सीन लगे रहते हैं उनके बीच की दूरी, सुरंग नहीं बोल सकते, सीन से समझ लो, दो पास वाले उसको कहते हैं, ठीक। इसको याद करने का ये शॉर्ट फॉर्म रहेगा, विज्ञान करके ये याद हो जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट,
इसी का यूज, और दूसरा जो हम समझे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन उनका यूज कहां पर करते हैं, रेनबो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो प्रकार के होंगे, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक और द्वितीय सेकेंडरी रेनबो। अब आप इस पिक्चर में देखो कि कौन सा वाला आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। प्राइमरी के जो कलर है काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। रीजन इसका क्या होगा तो वो हम देखते हैं, है ना। पहले हम देखें प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में ये वाला फिनोमेना रहेगा, यानी ये क्या है, गोले में सर्कल में हमने दिखाई पानी की कोई बूंद, वाटर ड्रॉपलेट। यहां से सनलाइट सफेद रंग का प्रकाश आया, यहां कौन सा मीडियम है, हवा, एयर। अब ये प्रकाश उस पानी की बूंद के अंदर प्रवेश करता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश की किरण का जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। जाना ही नहीं फिर क्या करेगा, अपना रास्ता बदलेगा, इसको स्ट्रेट जाना था नहीं, ये मुड़ गया। हम रेड लाइट को ले लें, रेड वाले कलर को, इसका यहाँ पर ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस पॉइंट पर कौन सी घटना हुई, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये लाइट पानी की बूंद के अंदर ही दूसरे किनारे से टकराता है, होना था कि ये यहां से बाहर निकल जाता लेकिन नहीं निकला, इससे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया और यहां आ गया। यानी प्रकाश की किरण पानी के बूंद के अंदर इस वाली सरफेस से टकरा करके उधर ही बेंड हो जाती है। इसी घटना को अभी हमने क्या पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां आ गए। अब इसके बाद ये प्रकाश पानी की बूंद को छोड़कर बाहर फिर हवा में आ जाता है, तो इसमें क्या हुआ, डेंस से रेयर में चली गई प्रकाश की किरण, तो रिफ्रैक्शन। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो चुका है, एक आते समय एक जाते समय, और यहां क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी मीडियम में। तो प्राइमरी रेनबो में दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, प्राइमरी रेनबो, इसलिए वो हमें क्लियर दिखाई देता है। सेकेंडरी वाले में क्या होगा कि यहां सूर्य से आने वाली जो रेज है पानी की बूंद के अंदर जाएगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन होगा, क्लियर यहां तक। अब यहां इस दूसरे किनारे से टकराती है, तब फिर ये मुड़ जाती है, यानी यहां क्या हो चुका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार हो गया ना, फिर दूसरी तरफ टकराती है तो फिर एक बार और मुड़ जाती है, यानी दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब उसके बाद ये पानी की बूंद को छोड़ करके फिर से हवा में एयर में आ जाती है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई, यहां रिफ्रैक्शन। एक बार रिफ्रैक्शन कब हुआ, जब सूर्य की किरण उस पानी की बूंद के अंदर प्रवेश करती है। दूसरी बार रिफ्रैक्शन कब होता है, जब वो पानी की बूंद को छोड़कर के बाहर निकलती है, तो दो बार रिफ्रैक्शन दोनों में हो रहा था। अब इसमें अलग क्या होता है कि एक बार तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही है, मगर एक बार और होता है, तो इसलिए सेकेंडरी रेनबो में टू टाइम्स रिफ्रैक्शन और टू टाइम्स ही क्या रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वजह से ये उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है ना। कैसे दिखाई नहीं देता है तो वो भी समझो, और इसमें थोड़ा समझने लायक चीजें हैं कि प्राइमरी रेनबो में लोअर साइड नीचे साइड में वायलेट और ऊपर साइड में रेड दिखेगा, और सेकेंडरी में जस्ट उल्टा हो जाता है, वहां वायलेट ऊपर आता है और रेड नीचे साइड में हो जाता है, ठीक। अब ये जो एंगल बनाए जा रहे थे कि 52 डिग्री, ये सब हमारे इतने काम के नहीं, याद रहेगा प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद आता है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हमें किसी रंग की दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, वी सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट दे रिफ्लेक्ट। कोई वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता, ऑब्जेक्ट मतलब मुन्ना भाई वाला ऑब्जेक्ट, याद है ना, उसमें एक ऑब्जेक्ट था, नहीं याद है, जैसे मान के चलो कोई हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया हुआ है, क्योंकि कलर सूर्य से आने वाला प्रकाश सफेद सात रंगों से मिलकर बना। यहां समझो कि ये अगर हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है तो इसका रीजन है इसने ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये रेड दिखाई दे रही है तो इसने रेड को छोड़कर बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये
व्हाइट दिखाई देती है जब इसने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, सारे कलर वापस लौटा दिए, और ये ब्लैक दिखाई देती है तब जब इसने सारे कलरों को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम कहां तक पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं वी सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट दे रिफ्लेक्ट, वो कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को वापस भेजेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो वस्तु हमें उस रंग की दिखाई। क्लियर प्रदीप, आपकी टी शर्ट ब्लू कलर की क्यों दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्ट करती है। आनंद, ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है शर्ट? क्योंकि सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम लाइट चेंज कर दें, जैसे मान के चलो गुलाब का फूल और उसकी पुष्प में पंखुड़ियां, व्हाइट लाइट में लाते हैं तो उसकी जो गुलाब का फूल है वो आपको पिंक कलर का दिखाई देता है, उसकी पंखुड़ियां ग्रीन दिखाई देती हैं। इसके ऊपर अगर हम येलो लाइट डालते हैं तब तो उसकी पंखुड़ियां जो रहती हैं वो ब्लैक हो जाती है। क्या उसने क्या किया, मतलब हमने लाइट सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर लिया। सोर्स ऑफ लाइट चेंज करने से ही जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं उसके कलर का अपीयरेंस बदल जाता है। ठीक, तो ये कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट से ही संबंधित कुछ चीजें रहती हैं। पूछा जा चुका है कि प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, कितने होते हैं, तो जो एमपीबीएससी ने सही माना वही कलर को प्राइमरी मानेंगे। आजकल नेट पे आप देखोगे तो इसमें ग्रीन की जगह येलो लिखा रहता है, तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीन रंगों को हम प्राइमरी रंग कहते हैं। प्राइमरी रंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तीनों को आपस में हम मिलाए किसी भी प्रकार के कलर को बना सकते हैं। कोई भी रंग बनाना है बस इन तीनों के रेशियो में अंतर करते जाओ, बन जाएगा। प्राइमरी हो गया तो सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, इनको छोड़ दें और ये तीन येलो मैजेंटा सियान, इनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। दो कोई भी कलर जिनको आपस में मिलाएं और सफेद रंग तैयार हो जाए तो वो दो कलर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। सर कौन से होते हैं? कोई भी कलर मिला करके जिनसे आप व्हाइट बना सको, कुछ भी। ठीक, ये एक ट्राइंगल रहता है इन कलर से जुड़ा हुआ, तीनों इसके कोने पर प्राइमरी कलर है और बीच वाले पोर्शन पर ये सेकेंडरी कलर है। इनको हम मिला दें इनको तो व्हाइट कलर तैयार होता है। अगर हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, ये सेकेंडरी कलर तीनों को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा, है ना। अब आप चाहते हो कि थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा ब्लू लेकर के मिलाए तो ये वाला कलर तैयार हो जाएगा, तो ये उसका कलर कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस है। ठीक, क्लियर रहेगा यहाँ तक? प्राइमरी आरजीबी, सेकेंडरी येलो मैजेंटा। अब लाइट से जुड़ा है अगली प्रॉपर्टी स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी के कण होते हैं, पानी की बूंदें जो भाप वेपोराइज हो जाती है उनके भी कण होते हैं, तो उनसे जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो चारों तरफ फैल जाता है। तो कौन सा प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, अभी हमने वर्ण विक्षेपण में देखा कि सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बनाता है विद्योत, उसमें बैंगनी रंग, वायलेट कलर, इंडिगो और ब्लू, यानी जो लोअर साइड में थे जिनकी क्या थी मिनिमम वेवलेंथ थी, वो कलर इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराते हैं तो चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसकी वजह से ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। स्कैटरिंग सबकी होती है मगर जिसकी ज्यादा होगी वो दूसरे को उसको सुपर इम्पोज कर लेगा, बंद कर देगा, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ वायलेट, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, और रेड की मिनिमम होती है इसका, इसलिए हमें रेड कलर नहीं दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, वायलेट का होता है लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब हम अलग कैसे कर पाते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए उसको नीला बोलते हैं। जब आपसे पूछा जाए स्कैटरिंग ऑप्शन में रेड देंगे, ब्लू देंगे तो वायलेट नहीं देंगे, तो हमारा ऑप्शन वही होता है, क्योंकि हम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, मतलब नीला रंग जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक, रवि कुमार, आसमान का रंग कैसा होता है? सर, हाँ सर,
कहाँ से देखना है अंतरिक्ष से भी मतलब आप देख कहाँ रहे हो आसमान में, अगर हम स्पेस से बाहर देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, ऊपर से किसी स्पेस शिप में है, तो हमें सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। क्यों ब्लैक दिखाई देता है अभिषेक? क्यों ब्लैक दिखाई देता है? हाँ, हमें काला क्यों दिखाई देता है सर? क्योंकि ऊपर से मतलब माध्यम नहीं होता, कोई मीडियम नहीं है प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो इसलिए हमें सब कुछ कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। अगर कोई मीडियम होता रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करता हमें वैसा दिखाई देता, पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है। क्लियर है ना यहाँ तक? अगला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या प्रोसेस था, ये साउंड में भी समझा था। यहाँ पर दो लाइट वेव्स ली और वो उनका एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी इक्वल है, यानी एक लाइट वेव ये दूसरी लाइट वेव ये इसको अगर सुपर इम्पोज कर ले, मतलब हम इसको वहां से उठाए और उसको कवर कर ले, यानी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रप के ऊपर ट्रप आएगा, क्रस्ट मतलब सुरंग के ऊपर सुरंग वाला हिस्सा आए और ट्रप के ऊपर ट्रप वाला हिस्सा आए, तब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उन पॉइंट पर जिस जगह जैसे ये वाला हिस्सा इससे टकराया तो यहाँ तीव्रता बढ़ जाती है, यानी ये दो लाइट वेव अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज अ रिजल्ट जो वेव बनेगी, लाइट वेव बनेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। या इसके अपोजिट चले कि एक लाइट वेव जिसकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दूसरी लाइट वेव के बिल्कुल इक्वल है बट फेज अलग अलग। यहाँ पर फेज इक्वल था, कैसे इक्वल था कि क्रस्ट का क्रस्ट से सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, यहाँ क्रस्ट है तो इसके साथ लोअर पार्ट जाएगा, तब रिजल्ट क्या होता है, वहां हमें अंधेरा या डार्कनेस दिखाई देती है। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। पहले वाले को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। यही हमने किसमें पढ़ा था, साउंड में ऐसा होता था। क्लियर है? तो टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज ऑन द सेम टाइम, एक ही टाइम मतलब एक फेज में होना चाहिए, तब वो कंस्ट्रक्टिव, और अगर उनका फेज पलट जाता है तो डिस्ट्रक्टिव। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ इसका हो गया लाइट। ये सब वो जो हमने बताया आपको, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन। अगला आता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। जब किसी लाइट की वेव को हम किसी नुकीली चीज के किनारे से शार्प एज से गुजारते हैं तो प्रकाश बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। ब्लेड या चाकू लें और उसको किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के सामने आप करते हो तो वो मुड़ जाता है, यानी आप ये CFL या बल्ब जल रहा है उसके सामने नुकीली चीज रखो तो क्या वो दिखना बंद हो जाता है? प्रकाश का मुड़ना ही उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, ये इसको स्लिट बोलते हैं। अब इधर प्रकाश निकलना चाहिए थियोरेटिकली सिर्फ इतने पार्ट, मगर ये देखो डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है कि प्रकाश फैलता जा रहा है, मतलब इस किनारे से प्रकाश मुड़ जा रहा है। यही साउंड वेव में था कि यहाँ बात करते हैं मगर दूसरे किनारे पर भी व्यक्ति को सुनाई देती थी। साउंड वेव भी बेंड होती है, लाइट वेव भी बेंड होती है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अगला है लास्ट इसका, प्रकाश का पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण यानी नॉर्मल जो लाइट रहती है उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर वर्टिकल हॉरिजेंटल सभी प्रकाश। इनको हम किसी डिवाइस के द्वारा ऐसा करें कि ये जो होने वाले वाइब्रेशन है सिर्फ एक प्लेन में रह जाए, या तो वर्टिकल रह जाए या हॉरिजेंटल रह जाए, तब जो प्रकाश बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश के नाम से उसको जानते हैं। इसका यूज क्या, कि बारिश में रात के समय जो गाड़ियां सड़क पे दौड़ती हैं तो गाड़ियों की हेडलाइट भी चमकती है, प्लस वो सड़क पर पानी फैला हुआ है वहां से भी लाइट आता है तो हमें सामने दिखाई नहीं देता। तो अगर हम ऐसा स्पेक्ट पहने जो लाइट को क्या करता हो, पोलराइज करता हो, तो आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, है ना? जब अगर हम वो ऐसा नहीं करेंगे तो अनपोलराइज लाइट रहेगी, आप उसको देख नहीं पाओगे, एक्सीडेंट के चांस है, ठीक? तो इसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। मिरर कंप्लीट हो गए, मिरर से जितने जुड़े हुए फिनोमेना थे जैसे रिफ्लेक्शन वो सब कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं लेंस। लेंस
ये क्या होते हैं, लेंस का मतलब है यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेंस से होकर लाइट गुजर जाएगी, और लेंस हम उसी को बोलेंगे जो लाइट को अपने में से गुजरने के बाद या तो फैलाएगा या उसको मोड़ेगा, यानी या तो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। जो कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्जिंग लेंस, जो डाइवर्ज करेगा उसे डाइवर्जिंग लेंस, यानी हिंदी में से अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो लेंस ये ऊपर वाला जो लेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। बीच वाला जो पोर्शन है वो कैसा रहता है, मोटा उठा हुआ, इसका तल रहेगा उत्तल, और जिसके किनारे रहते हैं वो दबे हुए रहते हैं, इसको बोलेंगे उत्तल। इसका अपोजिट हो जाएगा कि बीच में ये दबा हुआ है, किनारे इसके उठे हुए हैं, अवतल। मिरर कब बन जाते थे, जब हम एक साइड पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पॉलिश वॉलिश का सिस्टम नहीं है, यहाँ आने वाली लाइट की रेज इस मिरर से टकराएगी। ये वाला मिरर क्या कर रहा है, उस लाइट की रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, यानी मोड़ रहा है, बेंड कर रहा है, और एक बिंदु पर एकत्रित करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये वाला क्या कर रहा है, आने वाली पैरेलल लाइट को मोड़ने के स्थान पर फैला रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर मोड़ता है। जिस पॉइंट पर मोड़ता है उसे उसका फोकस, फोकस से लेंस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होगा, देखें पहले देखें कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में उठा हुआ, ये वाली बीच वाली लाइन को इसको मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। अगर हम इधर से कोई लाइट की किरण इधर डालते हैं, यहां से सीधी निकल जाएगी, इससे ऊपर डाला, लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश की किरण को मोड़ देगा, इसने मोड़ दिया इस पॉइंट पर, ये वाली किरण को भी इसने मोड़ दिया, तो ये इस पूरे के पूरे लाइट को कहां फोकस कर रहा है, इससे। तो ये इसका क्या कहलाया, फोकस कहलाया। क्लियर है ना यहां तक, इसकी और इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं, है ना। अब अगर ये दूरी बढ़ जाए, इसकी जगह ये इतनी दूरी हो जाए, तो फोकस इसका यहां हो जाएगा। लेंस की पावर को हम कैसे मापते हैं, लेंस की पावर को हम मापते हैं कि वो प्रकाश की किरण को कितना मोड़ देता है पास में, या कितना ज्यादा उसको फैला देता है, यानी लाइट को बेंड करने की स्टेमिना उसमें कितनी है। ये डिपेंड करती है किस पर, फोकल लेंथ पर। अगर उसने यहां पर मोड़ा है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर कम है, पास में मोड़ देता है मतलब उसकी पावर ज्यादा है। और ये इसका रिलेशन कैसा रहता है, ये इनवर्सली रिलेटेड रहेगा, फोकस दूरी ज्यादा पावर कम, फोकस दूरी कम पावर ज्यादा रहता है। तो ऐसे करके तो उत्तल लेंस ये क्या करता था, ये कन्वर्ज करेगा। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, चीजों को बड़ा देखने, कोई छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हम बड़ा देखना चाहते हैं, तो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। दूसरा, जो सूर्य से प्रकाश आता है उससे आप आग जलाना चाहते हो तो इसी लेंस का उपयोग करोगे, क्योंकि आने वाली सनलाइट को एक जगह फोकस करें। अगला क्वेश्चन आप बताओ, सोलर कुकर में कौन सी चीज का उपयोग करते हैं, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, नहीं करते लेंस का, वहां हम मिरर का उपयोग करते हैं, वहां पर लेंस नहीं लगाते, वो मिरर है। वो भी क्या करता है, चारों तरफ मिरर रहते हैं और उसको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, वहां लेंस का हम यूज नहीं करते। कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था कि कॉनकेव लेंस आने वाली